मैंने एक हेलो कहा था, तुमने तीन हेलो सुना दिए। एक वक्त था जब मेरी आवाज सुन के तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी, आज उलझ क्यों गई? तब मैं किसी और की बीवी नहीं थी। दिलनशीन, किससे बात कर रही थी? रॉन्ग नंबर था। तो इतना घबरा क्यों गई तुम? नहीं तो जरा फोन दिखाओ मुझे। लो, अगर ऐसे ही रॉन्ग नंबर्स आते रहे जिन्हें तुम्हें ये बताना पड़े कि तुम शादीशुदा हो, तो बस चुका तुम्हारा घर। क्या हुआ दिनेशी? बोलो, कुछ तो बताओ। दयम्मी ने बातें सुनाई, शक किया है तुम पे। देखो दिनेशी, ये मत समझना कि दायमी तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती है। वो जानती है कि जो लड़की पिया मन भाई नहीं होती, वो कभी भी एक पावरफुल औरत बन के घर पे राज नहीं कर सकती। वो मुझे तुम्हारी जगह पे इसलिए नहीं देखना चाहती कि वो अच्छी तरह से जानती है कि वो मेरा फोन कभी इस तरह चेक नहीं कर सकती जिस तरह आज तुम्हारा फोन चेक किया। माना मेरी खुदगर्जी, तुम मेरी खुदगर्जी को कुछ देर के लिए भूल के सिर्फ ये सोचो कि तुम किसके लिए इस घर में पड़ी हो। हैदर के लिए, जिसके लिए तुम सिर्फ एक कमिटमेंट हो, या फिर ताई अम्मी के लिए जिन्होंने आज सास बन के अपना असल रूप दिखाया है। दिलनशीन, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें मोहब्बत दोबारा आवाज देती है। मेरी जिद में या जमाने में खुद को अच्छा बनाने के लिए अपनी खुशकिस्मती को मत ठुकराओ।